खबर गुना से, जहां दो विकलांग भाई की पैतृक जमीन को लेकर दर्द भरी दास्तां सामने आई है। 10 फीट जमीन में गाड़ डूंगा वाले शिवराज मामा के राज में आदिवासी विकलांगों का हाल बेहाल है। जिले के बमोरी तहसील अंतर्गत ग्राम पराठ के दो आदिवासी विकलांग भाइयों के साथ दबंगों की दादागिरी देखने मिली, जहां फरियादी अमर सिंह दोनों पैर और एक हाथ से विकलांग है, तो वहीं उसका भाई कल्याण एक आंख और मानसिक तौर पर विकलांग बताया जाता है। आवेदकों ने जनसुनवाई के दौरान गुना कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया है, जिसमें पीड़ितों ने बताया गाँव के दबंग दशरथ किरार ने कई वर्षों से आवेदकों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है। आवेदक लंबे समय से शासन प्रशासन के तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों के पास चक्कर काट चुके हैं, पर विकलांगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आवेदकों ने बताया दशरथ किरार उन्हें जान से मारने की धमकी तो देता ही है, साथ में अपने रसूख बताते हुए कहता है कि कहीं भी जाकर सर मार लो, तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी, मेरी ऊपर तक जान पहचान है। अब सवाल यह है, क्या अगर किसी की ऊपर तक पहचान है तो क्या वो असहाय और बेबसों का हक मारेगा, या ऊपर तक पहचान वाले ऐसा करने की सीख देते हैं? ऊपर पहचान होगी तो कानून को ठेंगा पर रखकर चिड़ियाएगा। अब देखना यही होगा, जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया गुंडे और माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ने की बात करते हैं, उनके सिपलसलार उक्त मामले में क्या करते हैं? क्या आदिवासी विकलांगों को उनका हक दिलाया जाएगा? क्या दबंग पर प्रशासन कार्रवाई करेगा? मेरी जमीन पर दशरथ किरार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हम दो भाई हैं, ये मानसिक रूप से विकलांग है, एक आँख से विकलांग है, और मैं दोनों पैर से और एक हाथ से विकलांग हूँ। क्या समस्या आ रही है? और जमीन मांगने जाता हूँ तो दशरथ किरार मेरे को मारने की धमकी देता है कि तू अगर शिकायत करेगा तो जो मैं जान से मार दूंगा। कितनी जमीन है? मेरी जमीन 20 बीघा से कई कुछ ज़्यादा है। कितना समय हो गया कब्जे को? मुझे तो अभी मालूम पड़ा, वो तो कई सालों से जमीन को जोत रहा है, उससे मांगने जाते हैं तो साहब मारने की धमकी देता है। आपने शिकायत की? फिर शिकायत की, 3 बार कलेक्टर साहब के पास आ चुका हूँ, अब की बार चौथी बार आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताइए मैं क्या करूँ। तो आपके दोनों पैर भी नहीं है? हाँ। और एक हाथ भी नहीं है? विकलांग। और ये भैया? ये मानसिक रूप से विकलांग है और हाथ से भी विकलांग है। तो आपकी फैमिली में और कोई है? और कोई नहीं है, हम दोनों भाई। तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार साहब बोले कि कलेक्टर साहब के पास जाओ। तहसीलदार साहब के पास कब गए थे आप? हम कब गए थे, कितना समय हो गया? ये कुछ 8-7 दिन पहले गया था। उन्होंने बोला कलेक्टर साहब के पास जाओ? उन्होंने बोला कलेक्टर साहब के पास जाओ। कलेक्टर साहब तहसीलदार के पास? और आज कलेक्टर साहब के पास आए तब उन्होंने क्या बोला? तहसीलदार के साहब के पास बोला उन्होंने।